उद्धव जी भगवान में पांच विशेषण देकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि आपकी कोटि का उत्कृष्ट वक्ता और कोई दूसरा नहीं, आपके जैसे आप ही हैं। ये पांच विशेषण आप में ही सिद्ध हो सकते हैं और दूसरे में सिद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए हमारा भाव है कि जिस तत्व ज्ञान का श्रवण करके जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए, निवृत्ति की परिभाषा को ठीक से, विषयात्मा जीव पापात्मा जीव भी निवृत्ति की परिभाषा को समझ करके संसार से निवृत्त हो सके, ऐसा उपदेश देने की सामर्थ्य आप में ही है, आपके अतिरिक्त किसी अन्य देवतांतर में नहीं है। सबसे पहला विशेषण है अनवद्यम। हे प्रभु, आप अनवद्य हैं। अनवद्य का अर्थ है सर्वथा निर्दोष आप ही हैं, निर्विकार निर्मल निर्दोष आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। उपनिषद में लिखा है निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो, निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित्, उपनिषद में लिखा है। आप सर्वथा अनवद्य, भगवान अनवद्य न होते तो उनकी लीला का श्रवण जीव को सर्वथा निष्पाप नहीं बना सकता। जीवगत समस्त दोषों का शमन उनके चरित्र के श्रवण मात्र से हो जाता है, इसलिए क्योंकि भगवान अनवद्य हैं। भगवान में दोष नहीं है। जहां कहीं इस प्रकार की चर्चा आई है जिससे लगता है कि भगवान में भी दोष गिनाए जा रहे हैं, तो वस्तुतः वह चर्चा दोषों के परिगणन में नहीं है। दो तरह की स्तुति होती है, एक तो स्तुति होती है, एक निंदा व्याज स्तुति होती है। निंदा ब्याज स्तुति क्या है, अब हम उसको कह ही दें। निंदा ब्याज स्तुति का एक ही उदाहरण, वैसे बहुत उदाहरण है लेकिन एक उदाहरण बड़ा प्यारा है। उसमें
गोस्वामी जी कह रहे हैं, अभी निंदा ब्याज स्तुति का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। बावरो रावरो नाह भवानी, हे भवानी, तुम्हारा जो नाह है ना पति बावरा है, बावरा माने पागल। कैसा बावरा है? बोले दानी बड़ो दिन देत दए बिन बेद बड़ाई भानी। जो किसी को कुछ देगा उसी को मिलेगा, लेकिन जिसने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं वो भी इनके सामने आकर खड़ा हो जाए तो उसे ये सर्वस्व दे देते हैं। महादेव महादेव महादेवेत यो बदेत एकेन शंभुक कृतस्या द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवे। तीन बार जाकर कह दे महादेव महादेव महादेव, एक बार सुनकर के तो वो कहते इसने हमको खरीद लिया, अब दो बार और महादेव महादेव कह दिया, अब तो हम कर्जदार हो गए, हम इसको क्या दें। महाराज बड़े उदार हैं ये, वेद बड़ाई भानी, वेदों ने इनकी बड़ी प्रशंसा की है। और देख लो, ज्यादा क्या कहें, निज घर की बर बात बिलो कहू हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी, बावरो रावरो नाह भवानी। आपके घर में कुछ नहीं है, गरीब से गरीब आदमी 10-5 दिन में कम से 10-5 वर्ष में ही सही एक झोपड़ी तो डाल लेता है, लेकिन ये बटके पेड़ के नीचे ही बैठे हैं, पहाड़ के ऊपर के एक झोपड़ी तक नहीं डाल पाए। संग्रह परिग्रह के नाम पर कुछ है नहीं, ऐसा कहीं गृहस्थ होता है? तो घर खाली है कुछ है नहीं, क्यों? बोले अपने पास कुछ रखें तब ना। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। सब लुटा दिया इन्होंने, ये दरिद्रों को भी इतना दे देते हैं के शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। इसका मतलब केवल धन ही नहीं देते, विद्या भी दे देते हैं। इतना धन देते हैं कि लक्ष्मी जी भी संकुचित हो जाती हैं कि यदि मेरी उपासना करता तो मैं इतना तो इसको नहीं दे सकती थी। सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं कि यदि मेरी भक्ति करता तो मैं इतनी विद्या बुद्धि इसको नहीं दे सकती थी। कहां तक कहें माताजी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक समारत हो आयो नकवानी। हमने जिनके भाग्य में सुख का लेश भी नहीं लिखा, वो जब रोते गिड़गिड़ाते इनके दरबार में पहुंच जाते हैं तो उनके लिए नया स्वर्ग बना देते हैं, हमारे तो नाकों दमा हो गया, नाक तक भर गया है। क्या कहें महाराज, हम ही परेशान नहीं है, और भी कुछ हैं जो परेशान हैं इनसे। कौन कौन? दुख दीनता दुखी इनके दुख, दुख भी दुखी हो गया, दीनता भी दुखी हो गई। याचकता अकुलानी, याचकता तो बहुत व्याकुल हो रही है, इसलिए यह अधिकार सौंपिए और भीख भली में जानी। ये अधिकार जो विधाता का लिपि लिखने का, भाग्य लिखने का अधिकार जो है ना, वो किसी दूसरे को सौंप दो, हम जो लिखते हैं उसका ठीक उलट देते हैं ये। तो प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत
सुनि विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मातु मुस्कानी, बावरो रावरो नाह भवानी। इस तरह से भगवान की कई जगह, तो वो दोष नहीं है भगवान के, वो दोष नहीं है